क्वेश्चन नंबर 66, 66 क्वेश्चन रोम्बस के ऊपर बेस्ड है। रोम्बस की थोड़ी प्रॉपर्टी द्वारा बता देता हूँ आपको। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्लोज फिगर है, चारों साइड्स इक्वल होंगी। इसके जो डायगनल होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। डी वन एक डायगनल है, एक डायगनल है एंड डी टू, ठीक है। लेकिन जो डायगनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स जो फॉर एग्जाम्पल एक आपका रोम्बस है ए बी सी डी, ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। ओ बी इक्वल टू ओ डी मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये आपस में इक्वल होगा, और जो बाकी बचा ये दूसरा डायगनल है इसका, ये वाला इसके इक्वल होगा। मीन्स ओ सी किसके बराबर होगा? ओ सी इक्वल होगा ओ ए के, ठीक है। और जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। और जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा। मीन्स एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। और चारों साइड्स तो मैंने आपको बता दिया इक्वल होंगी ही होंगी। और एक बात और, इसके जो डायगनल्स हैं वो 90 डिग्री पे आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी रोम्बस की जो मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रोम्बस इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ही आपको दे दिया सीधा रोम्बस का। एरिया कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर। द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगनल इज 10 सेंटीमीटर। मीन्स एक रोम्बस है उसका जो एक डायगनल है उसकी लेंथ आपको कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। एक डायगनल बना लो, इसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे दी। द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल, जो दूसरा डायगनल है उसकी लेंथ आपसे पूछ ली, करिए बताओ। चलो एक्चुअली डायगनल के जो एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपको मैं बता देता हूँ, फिर आप देखना कौन सा लगेगा इसमें। जो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ डायगनल, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का, वो क्या है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मीन्स अगर ये बेस है तो एक हाइट बना लो यहाँ पे, ये रही हाइट। इसके ऊपर हाइट बाहर हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाइट अंदर ही होती है। एक्चुअली हाइट होता क्या है? दो दो साइड्स के बीच का, दो पैरेलल साइड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अंदर भी बन सकता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाहर भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस इज बेस इंटू हाइट, एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स। इसमें आपको डायगनल्स की बात की गई है, निकालना डायगनल है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डायगनल वाला। तो लगा देते हैं, एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है? 150। एरिया के नीचे एरिया लिखो, हाफ इंटू डायगनल। एक गिवन है 10, दूसरा नहीं गिवन, उसको डी टू लिख लो। काटो, 2 1 2, 2 5 10, 5 नीचे चला जाएगा। 150/5 इक्वल टू डी टू, 5 3 15 0, तो दूसरा डायगनल 30 आया है, 30 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है।